नमस्कार, मैं हूँ एकता। आज हम SC ZCC में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन में पहुँचे हैं और आज हमारे साथ है इस कंपनी के डायरेक्टर अनुराग गुप्ता सर, जो कि यहाँ आयोजित सारे स्टॉल्स के बारे में हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, सारे स्टॉल्स के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, अनुराग गुप्ता, इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन सर। आप ये बताइए कि यहाँ पहली बार कितने नए नए स्टॉल्स आए हैं, कौन कौन से राज्य से यहाँ स्टॉल्स आए हैं, इस बारे में जानकारी। सबसे पहले ये बता दूँ, ये हमारा 13वां साल है, 13 ईयर्स कंटिन्यूस एट नागपुर। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो है पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है, विच इज़ समथिंग न्यू। आज तक गवर्नमेंट कभी जम्मू कश्मीर गया ही नहीं थी, विच इज़ समथिंग, आई मीन आई फील कि ये एक अच्छा स्टेप है कि सरकार का आना, लोगों को बताना कि बॉस वी आर देयर, सबसे बड़ी चीज़ हुआ। एंड दूसरा, सारे आपके स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जैसे हिमाचल, केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हर कोई अपना अपना नया नया पैकेज प्रमोट कर रहा है अपनी नई डेस्टिनेशन। जैसे इस बार इनका थीम है ओरछा, तो ओरछा MP दिखाना चाहता है कि व्हाट ओरछा इज, तो ये उनकी तरफ से वो आ रहा है। और हिमाचल इज़ ऑन द स्नो, मतलब इस वक्त स्नो सबसे ज़्यादा है, तो वो अपना स्नो दिखा रहे हैं, तो लाइक दैट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ओवरऑल जितना भी है दे वॉन्ट टू शो इट, दिस इज़ दी थिंग। प्राइवेट पार्टिसिपेंट लास्ट ईयर से आई शुड से 70% इंक्रीज हुआ है। आगे बढ़ते हैं सर, इस स्टॉल में, इस एग्जीबिशन में कौन से खास स्टॉल्स पहली बार शामिल हुए हैं, किन की क्या क्या खासियत है इस बारे में? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ये देखिए, नागपुर को हम कहते हैं द टाइगर कैपिटल, ठीक है। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसके पास टाइगर की फ़ोटो उसके स्टॉल पे नहीं होगी। आप लेफ्ट देखिए, आप राइट देखिए, दोनों जगह आपके मतलब दोनों जगह आप देखेंगे, टाइगर इज़ दी मोस्ट सेलेबल प्रोडक्ट इन नागपुर। और एक तो मतलब वाइल्ड लाइफ जिसको हम बोलते हैं, दूसरा हो गया आपका जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है, हर किसी देखिए उस इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में दो तीन जगह होती हैं, जैसे आपके शॉर्ट हॉल डेस्टिनेशन हो गया दुबई, मलेशिया, थाईलैंड, बाली, सिंगापुर, श्रीलंका, मालदीव्स। लेकिन इन सारी चीज़ों से अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 4 घंटे की जर्नी वाला। अब जो बिकना शुरू हो गया, जिसकी बुकिंग हो रही है, जो बड़े बड़े एजेंट्स कर रहे हैं, वो है यूरोप की, यूरोप, US। मतलब ये कहना चाहिए कि समर सीज़न का पूरा तैयारी हो रहा है, ये सबसे बड़ा चीज़ है। अभी अभी आपने सर हिमाचल प्रदेश के स्टॉल के बारे में बताया था, तो हम पहुँचे हैं इस स्टॉल के पास में। नमस्कार दोस्तों, हम पहुँचे हैं हिमाचल टूरिज्म सर, आप अपने हिमाचल टूरिज्म के बारे में कुछ खास बातें बताइए। मैम, हिमाचल जैसे आप सब जानते हैं हमारे देश का एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और हमें काफ़ी पहले से फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है, और मेरा मानना है कि वो शायद अभी 50% भी एक्सप्लोर नहीं हुआ है। तो जो हम यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, बेसिकली जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और शिमला, मनाली और कुल्लू के बियॉन्ड जो हमारे डेस्टिनेशन हैं, मैं चाहता हूँ कि हम उनको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर पाएँ। और IIT के थ्रू ये पॉसिबल हो रहा है कि हम लोगों से मिल रहे हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के स्टॉल पर पहुँचे हैं, अब आपको हम कश्मीर घुमाने ले चलते हैं इस बहाने। चलिए, इस एग्जीबिशन में जम्मू एंड कश्मीर का जो ये टूरिज्म वाला स्टॉल है पहली बार यहाँ लगा है, तो हम सर से ही यहाँ के अनुभव उनसे पूछेंगे। नमस्कार सर। जी सर, आपका क्या कहना है अपने स्टॉल? ये स्टॉल पहली बार हम नागपुर सिटी में आए हैं, तो हम नागपुर की जनता का वेलकम करते हैं। जम्मू कश्मीर UT में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की जनता सब जम्मू कश्मीर में आए, गर्मियों के मौसम में भी आए, सर्दियों के मौसम में भी आए, वहाँ के पहाड़ों का, वहाँ की वादियों का, वहाँ के झरने, वहाँ के नाले, नदियाँ, वहाँ के और भी जैसे अमरनाथ,
यात्रा, वैष्णो माता, शिव खोड़ी और कई यात्राएं वहां पे आके करें और वहां के मैं अपना जो पर्यटन है वहां का उसका उसके विस्तार में उसके ग्रोथ में अपना योगदान दें। अक्सर सभी लोग जो है पहाड़ों में वादियों में घूमना चाहते हैं, तो मैं सर से ये पूछना चाहूँगी कि उन लोगों के लिए आपके पास क्या खास पैकेज है? पैकेजेस हमारे अवेलेबल होते हैं, वो आप पूरी डिटेल जो है ऑनलाइन JKTDC की वेबसाइट पे देख सकते हैं। प्राइवेट जो टूरिस्ट टूर एंड टूरिस्ट ऑपरेटर्स होते हैं उनकी अपनी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे जाके पूरी डिटेल मिल सकती हैं। तो पैकेजेस होते हैं, फैमिली पैकेजेस भी हैं, अवेलेबल हैं काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस हैं। सर, आपका पहले साल का पहला अनुभव कैसा रहा यहाँ पर नागपुर में? नागपुर का एक्सपीरियंस जो हमारा अनुभव है बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग काफ़ी, जो जनता है यहाँ के, काफ़ी पॉजिटिव है, एटीट्यूड उनका काफ़ी पॉजिटिव है। हम चाहेंगे कि नागपुर की जनता जो है वो जम्मू कश्मीर जो कि अब UT है वहाँ पे आए, काफ़ी संख्या में आए, ना सिर्फ अमरनाथ यात्रा के लिए आए, ना सिर्फ वैष्णो माता की यात्रा के लिए आए, बाकी भी जितनी जम्मू कश्मीर UT की जितनी बाकी सारी एक ऑनलाइन सर्च करके वहाँ पे हर जगह जाएं, चाहे वो वहाँ का भद्रवाह है, किश्तवाड़ है, रजौरी है, पुंछ है, वहाँ के और भी बहुत ज़्यादा बनी, बसोली, सरथल, इस टाइप के बहुत खूबसूरत लोकेशंस हैं। इस तरह कश्मीर में भी नई नई लोकेशंस हैं, जैसे कि दूध पथरी है, कुछ तो सब जानते हैं जैसे कि गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, इनको तो सब जानते हैं, लेकिन और भी इसके अलावा काफ़ी अच्छी लोकेशंस हैं जिनका मज़ा लिया जा सकता है। अब हम पहुँचे हैं केरला टूरिज़्म, जो कि हमारी गवर्नमेंट द्वारा आयोजित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप अपनी स्टॉल के बारे में बताइए, जानकारी क्या खासियत है और यात्रियों के लिए क्या यहाँ प्रावधान किया गया है? After flood, we would improve our tours and destinations. After all, Sare people like our destinations. They told, we are proud about you. These Nagpur people told, this originally God's own country. Now, that too much people coming to Kerala. And we got not from India, outside also. Sare people, amara je dekhne ke liye aayenge. So, we are proud of you. Proud of the Kerala tourism, and I am very proud to I am IBA Kerala. दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं अतुल्य भारती स्टॉल पर, जो कि गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, और यहां हम पर्यटक अधिकारी जो सर है उनसे एक खास बातचीत करेंगे और सारी जानकारी यहां से उनसे हासिल करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम परेश देरे है, मैं पर्यटक सूचना अधिकारी के तौर पे कार्यरत हूँ। हमारा ऑफिस मुंबई में है, भारत पर्यटन मुंबई, और हम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पर्यटन मंत्रालय से है। तो हम लोग यहाँ पे IIT नागपुर में हर साल को पार्टिसिपेट करते हैं, और हमारा काम ही है कि पर्यटन और जो भी अपने देश के पर्यटन स्थल है उनका प्रचार और प्रसार करना। तो हम यहाँ पे कलरफुल बुकलेट, ब्रोशर्स या इन्फॉर्मेशन सब आने वाले विजिटर्स को हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि अपने देश के जो पर्यटन स्थल है वो लोगों तक उनकी जानकारी पहुँचे और वो लोग वहाँ जाकर उस जगह को मिले और वहाँ जाए और उससे पर्यटन का प्रसार हो और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल पब्लिक है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, रोज़गार मिले और अपनी इनडायरेक्टली अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा मिल सकता है। तो हमारा यही काम होता है कि हम लोग इंडिया के जितने भी पर्यटन स्थल है, भारत में जितने भी पर्यटन स्थल है, जो कि यानी कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गए या रिलीजियस प्लेसेस हो गए या अपने नेशनल पार्क्स हो गए
everything which is related with tourism, we are promoting that places. So हमारा यही काम है पर्यटन को बढ़ावा देना और इस प्रकार से हम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, हम योगा डेज में भी पार्टिसिपेट करते हैं, हम स्वच्छता पखवाड़ा में पार्टिसिपेट करते हैं. इनडायरेक्टली ये जो भी पर्यटन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है हम उनको बढ़ावा देते हैं, एज वेल एज हम होटल्स को क्लासिफिकेशन करते हैं कि जहाँ पे पर्यटक आ सके उनको अच्छी सुविधा मिल सके. हम गाइड्स को प्रमोट करते हैं, गाइड्स को लाइसेंस देते हैं. जैसे कि अभी एक नया योजना आया है जो यहाँ पे ये स्टैंडी में दिखाया गया है, टूरिस्ट फैसिलेटर सिस्टम, जिससे कि जो भी लोकल पब्लिक है जहाँ की जो 12th पास है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो हम उनको ट्रेनिंग दे के एज अ टूरिस्ट फैसिलिटेटर करके बनाएंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और आने वाले टूरिस्ट को सहायता मिलेगी. तो ऐसी इस प्रकार की गवर्नमेंट नई पर्यटन मंत्रालय नई स्कीम्स निकालता है जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है. हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत जो भारत सरकार का इनिशिएटिव है उसके अंदर में हमने ये स्टॉल डिज़ाइन किया है जिसमें महाराष्ट्र और ओडिशा एक दूसरे के पेयर स्टेट है. तो हमने यहाँ पे महाराष्ट्र और यहाँ पे ओडिशा ये दोनों राज्यों को हमने यहाँ प्रमोट किया है. हम केंद्रीय विद्यालय बहुत सारे जो भी महाराष्ट्र गुजरात छत्तीसगढ़ जो भी हमारे वेस्टर्न रीजन के केंद्रीय विद्यालय हम वहाँ जाके वहाँ के बच्चों को हम लोग ये बता रहे कि अपने देश का जो भी पर्यटन स्थल है यानी कि जैसे कि पेयर स्टेट के जो भी पर्यटन स्थल है हम उनको वहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं. तो लोगों को बच्चों को जो भी है उनको हम लोग इनडायरेक्टली नॉलेज दे रहे हैं कि अपने देश में क्या क्या है और आप उनको जानिए और वो जाइए देखिए और इस तरीके से अपने इकोनॉमी को बढ़ावा दीजिए. सर अब तक यहाँ यात्रियों का कैसा प्रतिसाद मिला? अभी तो ये सेकंड डे है, यस्टरडे थोड़ा ठीक ठाक था लेकिन आज हम लोग सोचते हैं कि हमें ज़्यादा प्रतिसाद मिले क्योंकि ये सेकंड डे है, सैटरडे है, आई थिंक हाफ डे से छुट्टी भी हो सकता है और टुमारो इज अ संडे सो वी एक्सपेक्ट मोर टूरिस्ट. दोस्तों अब हम आपको मध्य प्रदेश के स्टॉल पर लेकर चलते हैं जो कि इस बार ओरछा फेस्टिवल को प्रेजेंट कर रहा है और आज हमारे साथ है रोहिणी मैम. नमस्ते मैम, आप अपने स्टॉल के बारे में क्या बताएगी? हेलो, गुड आफ्टरनून. एक्चुअली हम मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं. हम यहाँ पे हेरिटेज सेटअप अपना लेके आए हैं इस बार. ओरछा इज़ फुल ऑफ हेरिटेज थिंग्स. वी हैव राजा महल, वी हैव टेम्पल्स and all over the Orcha is our capital for heritage properties. We are more interested to introduce people with our heritage properties. अब हम पहुँचे हैं राजस्थान जो कि राजा महाराजाओं की सिटी कहलाती है. यहाँ पैलेस है, बहुत सारे तालाब है, बड़े बड़े महल है जो कि दर्शकों को सभी को पसंद आता है. यहाँ हर किसी को यात्रा करना पसंद आता है और हम ले चल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ राजस्थान टूरिज्म के ज़रिए आप घूम सकते हैं. ये है मेहरागढ़ फोर्ट जोधपुर में. इसके बाद है अमेर फोर्ट जयपुर में. यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ बड़े बड़े महल हैं वो सब देखने मिलेंगे, पुरानी चीज़ें. जिनको हिस्ट्री से ज़्यादा लगाव है तो वो ऐसे महल घूम सकते हैं. हम देख सकते हैं कि आप केवलाडियो नेशनल पार्क भी घूम सकते हैं. हम आपको राजस्थान की सबसे फेमस जगह जैसलमेर वहाँ लेकर चलते हैं जहाँ आप सोनार फोर्ट देख सकते हैं. यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह ये बसा हुआ है और कितना पुराना यहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है. इसके बाद आप गड़ीसार लेक तालाब भी देख सकते हैं जो यहाँ का मुख्य तालाब माना जाता है. ये आप देख रहे हैं भरतपुर का डीक पैलेस जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है और वाकई में ये बहुत ही खूबसूरत है.
पधारो मारे देश, इस टैगलाइन को प्रेजेंट करने वाला राजस्थान टूरिज्म, इस टूरिज्म के संचालक आज हमारे साथ है संदीप सर। आइए जानते हैं इस टूरिज्म की खास बातें क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार। यहाँ राजस्थान टूरिज्म को हम लोग नागपुर में लेके आने का मेन मकसद यह है कि महाराष्ट्र से लोग जिस गति के साथ राजस्थान की ओर आकर्षित हो रहे हैं, उनको और ज़्यादा जो हम नवाचार कर रहे हैं, जो हम लोग लेटेस्ट डेस्टिनेशन प्रमोट कर रहे हैं, वो बताने के लिए हम लोग हर साल यहाँ नागपुर में आते हैं और देश के विभिन्न जगह जहाँ मार्ट्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं उन पे जाके हम लोग को बताते हैं कि किस तरह का हम नवाचार कर रहे हैं। हमारे न्यू डेस्टिनेशन प्रमोट हो रहे हैं। अभी हम लोग कोटा में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। हम लोग फिल्म प्रमोशन के लिए भी वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे फिल्म शूटिंग्स के लिए भी लोकेशन लोग देखकर राजस्थान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हमने फिल्म रेगुलेशन एक्ट भी बनाया है, जिसमें जो निर्माता निर्देशक हैं मुंबई से महाराष्ट्र से, वो राजस्थान में आकर शूटिंग करते हैं। सिंगल विंडो में राजस्थान टूरिज्म उनकी पूरी हेल्प करता है उनको परमिशन देने के लिए। इसके साथ हम एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, पिलग्रिमेज टूरिज्म, इस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आ रहे हैं। हमारी शाही रेलगाड़ी भी इसका ही एक पार्ट है, जो विश्व की सबसे बेहतरीन ट्रेन है, उसका भी लुत्फ लोग उठा रहे हैं विभिन्न प्रांतों से, बहुत सारी कंट्रीज से आकर। राजस्थान में बहुत कुछ समाहित है, बस देर है तो महाराष्ट्र से लोगों की और अधिक आने की, इसी आशा के साथ हम लोग यहाँ आज नागपुर में आए हैं। दोस्तों, वेल ट्रैवल्स के टूर ऑपरेटर आज हमारे साथ है मोहम्मद हाफिज शाला सर। सर से हम खास बातचीत करेंगे और जम्मू एंड कश्मीर, स्पेशली श्रीनगर में टूरिज्म को लेकर क्या क्या खासियत है, क्या खास बातें हैं, आज सर से जानेंगे। मैं अपनी तरफ से सब नागपुर के वासियों को नमस्कार करता हूं हाथ जोड़ के। तो मालिक की मेहरबानी से जो हमारी प्रमोशन हो रही आज की डेट में कश्मीर का, वो पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए हम आए यहाँ पर पार्टिसिपेशन करने के लिए, और हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, उनके भी हमारे पास यहाँ आए हुए हैं डायरेक्टर साहब, और लोकल हम टूर ऑपरेटर आए हैं प्रमोशन के लिए। तो यही एक चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टूरिस्ट कश्मीर आ जाए घूमने के लिए। हमारा पास जो जम्मू से लेकर कश्मीर तक है तो काफ़ी कुछ देखने के लिए है। हाँ, थोड़ा डिस्टर्ब रहा पीछे, तो ये कभी बीमार होता है आदमी तो उसको दवाई देने की ज़रूरत है, अभी ठीक हो गया। तो इट्स सेफ टू ट्रैवल ऑन टुडे, पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रात को भी आप घूम सकते हैं, दिन में भी घूम सकते हैं, गुलमर्ग जा सकते हैं, पहलगाम जा सकते हैं, हमारे यूसमर्ग है, नई जगह आप आ रही है, दुधपथरी आ रही है, सोनमर्ग है। अभी हमारा विंटर सीजन चल रहा है जो कि जनवरी से चालू हुआ, जनवरी फरवरी एंड मार्च क्रॉस कंट्री स्की विंटर में है। समर में हमारा अभी जो अप्रैल का महीना है, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टूर ऑर्गेनाइजेशन या मेकिंग वन ट्यूलिप फेस्टिवल जो हमारे पास है, करीबन 15 लाख ट्यूलिप हमारे पास जो गार्डन है चश्माशाही गार्डन के नीचे, जहाँ गवर्नर साहब रहते हैं उसके नीचे, तो उसका भी तैयारी हो रही है हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से ज़्यादा ट्यूलिप फेस्टिवल में आ जाए फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, और उनको रंग बिरंगीन डिफरेंट कलर्स ऑफ ट्यूलिप को देखने को मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे कश्मीर। और हम चाहते हैं, हम पहले भी मेहमान नवाज थे, अभी भी है, हो गए भी मेहमान नवाज, हम मेहमान नवाजी में 19-20 नहीं करेंगे, पूरा ही करेंगे। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्पेशली मोदी साहब से, मैं उसको भी दावत देना चाहता हूँ कि हमारे पास कश्मीर में आइए टूलिप देखने के लिए फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जो है, मुझे उम्मीद है कि वो खुद आ जाएंगे, अपने जो कश्मीर के फूल जो है उनको सूंघेंगे, सब कुछ ताज़ा हो जाएगा। बाकी उसकी प्रमोशन, हमारा जो 5 अगस्त का बंद रहा और फिर 10 अक्टूबर का खुल गया टूरिज्म, वेलकम टू कश्मीर अराउंड द वर्ल्ड एंड फ्रॉम द आवर ओन कंट्री, और जुनून है, और उसके लिए 4-5 बातें मोदी साहब कहे कि कश्मीर जाइए, इंजॉय कीजिए, बर्फीली पहाड़ देखिए, हमारे पास हाउस बोट्स है, होटल्स है, हट्स है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वी आर वेल अरेंजमेंट्स, हमारे पास जो है अकोमोडेशन का वो सब हमारे पास है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कश्मीर की प्रमोशन कीजिए,
और LTC खोलिए कश्मीर के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को मैं मेहमान नवाज बनाना चाहता हूँ, कश्मीर के लिए आना चाहिए। और फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मोदी साहब से कि हमारी थोड़ी सी प्रमोशन कीजिए कश्मीर की, ताकि हम भी आगे चल पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये थे मोहम्मद हाफिज शाला सर, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, साथ ही जो टूरिस्ट हैं उनके लिए नई नई आइडियाज़ है, नई नई चीज़ें बताई। दोस्तों, राजस्थान जाना सभी को पसंद है, और राजस्थान में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो लोगों को बोल सकते हैं या टूरिस्ट को प्रभावित करती है, तो इन सब के बारे में हम आज संजय पांडे सर से जानेंगे। नमस्कार सर। यहाँ पे नागपुर में जो हम इस ट्रैवल मार्ट में आए हुए हैं, इंडिया ट्रैवल मार्ट एग्जीबिशन में, ये एक बहुत ही सफल आयोजन है, और यहाँ पे कई अन्य प्रदेशों के भी और दूसरे प्राइवेट स्टेक होल्डर्स ने भी अपने बूथ लगा करके आने वाले लोगों को, पर्यटकों को और स्थानीय नागरिकों को अलग अलग विषयों पर जानकारी दे रहे हैं। और राजस्थान पर्यटन भी इसी कड़ी में अपने यहाँ से, हमारे यहाँ जो बूथ है उसमें से जो पर्यटक आ रहे हैं और जो जानकारी ले रहे हैं, हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राजस्थान आने के लिए, भ्रमण करने के लिए आकर्षित करें, जिससे कि वो भी राजस्थान को पहचानें, समझें और आकर के हमारा भी सहयोग प्रदान करें। नमस्कार, अब हम पहुँचे हैं दुबई के फ्लाई हाई कंपनी के डायरेक्टर के पास, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह से स्टॉल में दर्शकों के लिए उन्होंने क्या क्या सारी खास चीज़ें रखी है। सबसे पहले मेरी जो कंपनी है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। मेरी कंपनी का नाम है फ्लाई हाई टूरिज़म जो है। ये कंपनी हमारी दुबई बेस्ड कंपनी है, ये टूरिज़म LLC कंपनी रजिस्टर्ड है दुबई में, और हम लोग इसको इंडिया लेवल प्रमोट कर रहे हैं अभी, मतलब वहाँ पर रजिस्टर्ड है हमारी कंपनी ऑलरेडी और हम इंडिया लेवल प्रमोट कर रहे हैं। रीज़न ये है कि हमारे इंडिया में जो है दुबई के रेट्स काफ़ी हाई आते हैं, मतलब आप किसी से लेते हैं ना तो आपको इसके उसके थ्रू जाना पड़ता है, तो हम एक ऐसा माध्यम है आप लोगों के लिए जो आपको डायरेक्ट दुबई के रेट्स देंगे, आपको इसके उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी के पास जाओगे, वो किसी से लेगा फिर आपको देगा। हम एक ऐसा माध्यम है जिसके खुद का ऑफिस है दुबई में, खुद के लोग भेज रहे दुबई में, तो आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट रेट्स मिलेंगे विद बेस्ट ऑफ बेस्ट सर्विसेज। अभी खुद की दो गाड़ियां ली हुई हम लोगों ने, टोयोटा का लैंड क्रूजर लिया हुआ है एक, अभी 14 सीटर लिया हुआ है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है वो चीज़ों में, मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। और अभी हमारे क्लाइंट्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया बनते जा रहे हैं, जो भी जुड़ रहा है उनको सर्विसेज पसंद आ रही है हमारी। रीज़न इसका यही है कि हम लोग जो हैं कम से कम रेट में दे रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट हैं वहाँ पर, हमारा ऑफिस है, हमारे लोग हैं, अपना जो इंडिया का जो इंडियंस का एरिया है बर दुबई, वहाँ पे हमारा ऑफिस है, तो कोई प्रॉब्लम जाती नहीं है, खाने की कोई इशू जाता नहीं है। रीज़न यही है कि मतलब लोग जुड़ रहे हैं, यही रीज़न है बस, कि अपन बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ें दे रहे हैं उन लोगों को। और सबसे मेन चीज़ इंडिया में है रेट, आप इसके उसके थ्रू जाते हैं, वो अपना पैसा लगाता है, मैं, हमारी कंपनी, हम लोग वहाँ से जो मिलता है कुछ थोड़ा सा पैसा लगा के आप लोगों को देते हैं, क्योंकि बेसिकली हम भी कमाने बैठे हैं, लेकिन हम लोग इंडिया में अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, दुबई प्रमोट करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुबई आए, दुबई देखे, ये हमारी तमन्ना है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो अब तक आपको टूरिस्ट का रिस्पांस कैसे मिला? मैम, टूरिस्ट तो जुड़ते जा रहे हैं मैम, जितना हो सकता है। अब इसको हम B2B के रेट पे कर रहे हैं, मतलब B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। मैं एजेंट्स के पास जा रहा हूँ, एजेंट्स को बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ को प्रमोट करो, तो उससे कैसा है मैम कि एजेंट्स को भी कम से कम रेट में वो चीज़ें मिलेंगी, है ना, ये चीज़ को हम ऐसे प्रमोट कर रहे हैं B2B के हिसाब से। अब हम पहुँचे हैं भारत ट्रैवल पॉइंट इस के स्टॉल पर, और यहाँ हम लोग रोहिना मैम से जानेंगे कि किस तरह से टूरिस्ट के लिए क्या क्या पैकेजेस रखे हैं। नमस्कार मैम, मैं भारत ट्रैवल पॉइंट से हूँ। हम लोग डोमेस्टिक इंटरनेशनल टूर पैकेजेस सारे करते हैं। डोमेस्टिक में आपको काफ़ी अच्छे रेट्स मिलते हैं, जैसे कि पूरे इंडिया भर में हमारी गाड़ियाँ चलती है खुद की, तो आपको अनबीटेबल रेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारा मेन मोटो है इंटरनेशनल टूर पैकेजेस को प्रमोट करना। अभी फ़िलहाल दुबई हमारा है, दुबई में भी एक ऑफिस अपना ओपन हुआ है, दुबई में भी ज़्यादा अपने डिपार्चर्स हो रहे हैं, ग्रुप डिपार्चर्स जाते हैं। इंटरनेशनल में सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, बाली, मॉरिशस, ये सारे पैकेजेस आपको अनबीटेबल रेट्स में मिल जाएंगे, क्योंकि कैसे खुद के होटल के साथ टाइप्स है तो बहुत ही अच्छे रेट्स आपको मिलते हैं। खुद की गाड़ियाँ अलग अलग कंट्रीज़ में हमारी है, सो और इंडिया की गाड़ी हमारे अनिकेत सर संभालते हैं। नागपुर पुणे भी बसेस अपनी शुरू हो गई है बाबा ट्रैवल्स के नाम से,
और वन बाय वन हमारे रिसॉर्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। चिखलदरा में अपनी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ भी है, नागपुर में भी फार्म हाउसेज हैं। तो कैसे ये बहुत इजी और अच्छा वे हो जाता है क्लाइंट के साथ अपने अच्छे बजट में रीच करने का। अगर उनको इजी पैकेजेस चाहिए तो हम अपने खुद के रिसॉर्ट्स हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल कहे तो टूरिस्ट को सब चीज़ें एक साथ मिल जाती है, एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म है, उनको सारी चीज़ें मिल जाती है। नागपुर को टाइगर कैपिटल कहा जाता है और यहाँ इस एग्जीबिशन में वाघोबा नगरी के नाम से एक स्टॉल लगा है। तो इस स्टॉल के अनिकेत जी है हमारे साथ, तो इस स्टॉल के बारे में जानकारी उन्हीं से लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर आपके स्टॉल में क्या क्या खासियत है? एक्चुअली मैम हम वाघोबा नगरी करके हमारा B2B यात्रा का एक सिस्टम कंसर्न कंपनी है, वहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ के पूरे पैकेजेस करते हैं ऑल ओवर इंडिया B2B में, जैसे पेंच हो गया, ताड़ोबा, वाघोबा अपना बांधवगढ़, काना, जो भी डेस्टिनेशन है वाइल्ड लाइफ के हम B2B में करते हैं। B2B मतलब एजेंट को बेचते, क्लाइंट नहीं करते उसमें। हाँ तो ये पूरे ओवरऑल तो अपना IIT में लगा हुआ स्टॉल, क्योंकि हम सेंट्रल इंडिया जो अपना टाइगर का ही कहा जाता है, तो अपने आसपास के जो भी है डेस्टिनेशन, काना हो गया, बांधवगढ़ हो गया, नागजीरा हो गया, करानला, ये सब हम पैकेजेस कराते हैं। ठीक है, साथ ही में मैं अपना टैक्सी डिवीजन देखता हूँ, पैन इंडिया पे काम चलता है अपना टैक्सी इंडिया, मतलब ओवरऑल इंडिया जहाँ पे भी टैक्सी लगती है अपन प्रोवाइड करते हैं। अपना भोपाल, मुंबई, पुणे में ब्रांचेस है, अमरावती में भी ब्रांचेस है, चंद्रपुर में ब्रांचेस है, हर जगह अपन जहीं पे भी टैक्सी की जरूरत है हम प्रोवाइड करते हैं। टूरिस्ट, हाँ एक तरह से आप बोल सकते हो ऑल थिंग्स इन वन रूफ, मतलब सब चीज़ें अपने को एक ही जगह मिलेंगी। अभी रोहिना मैम ने जो बताया था, अपना फार्म हाउस भी है, रिसोर्ट्स भी है, अपनी खुद की फील्ड्स है, लग्जरी कार्स अपन प्रोवाइड करते हैं, सब चीज़ें, मतलब क्लाइंट को कई जगह अलग दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं, सब चीज़ें अपने को एक ही जगह मिल जाएंगी। फ्लाइट टिकट भी प्रोवाइड करते हैं अपन, पैकेजेस भी करते हैं डोमेस्टिक इंटरनेशनल, दुबई में भी अपना ऑफिसेस है, ये सब चीज़ें अपने को एक ही जगह में मिल जाएंगी। कमलेश बंसोड़े, मैं हमेशा ये ट्रैवल एक्सपो जो होता है इसमें आता हूँ। मेरे आने का मेन पर्पज़ ये रहता है कि यहाँ पे एक ही जगह में सभी टाइप के जो डिफरेंट ट्रैवल ऑपरेटर्स जो होते हैं उनका पूरी डिटेल यहाँ एक जगह मिल जाती है, और सभी जगह से रहने से हमको फिर जब प्लान करते हैं तो कंपेरेटिव अच्छे क्वालिटी का और कम दाम में, बजट में यहाँ पे मिल जाता है एक ही जगह पे। और इसका फ़ायदा मैंने कई बार लिया है और अकॉर्डिंगली मैं अपने बहुत सारे ट्रिप प्लान कर चुका हूँ इसमें। आई एम थैंकफुल टू दिस ऑर्गेनाइजेशन कि जो ये ऑर्गेनाइज करते हैं और एक जगह में सभी डिटेल मिल जाते हैं। हाई, मेरा नाम प्रियंका है, प्रियंका जामदार, मैं थॉमस कुक में हूँ और राइट नाउ हम ये IIT में हैं। और काफ़ी अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया है, एवरी ईयर करते हैं, जहाँ तक 12 साल से कर रहे हैं वो लोग। स्पेशल ऐसा है कि ये जो सीज़न है जहाँ पे हम एक्चुअल ज़्यादा डिस्काउंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं हर एक क्लाइंट को, वो टाइम वो ग्रैब करते हैं, जिसमें हमारे पास भी वो सारी इंक्वायरीज आती हैं, हर एक क्लाइंट को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एंड देन वी गेट एन नंबर ऑफ़ इंक्वायरीज, वी गेट सर्टन टाइम जिसमें हम वो उनको प्रॉपर सारा सर्विस दे सके। कंसिडरिंग थॉमस कुक, तो हमारा ऑफिस गोकुलपेट में रेगुलरली है, वहाँ पर हम रेगुलर बैठते हैं, बट यहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है, लोगों को पता चलता है, वो बहुत फ्रूटफुल है। तो ये सारा एक्सपीरियंस है हमारा। IIT काफ़ी अच्छा, उन्होंने हमें, मतलब हमारा नंबर वन का ही स्टॉल है, तो वी आर गेटिंग क्वाइट गुड इंक्वायरीज, लेट्स होप कि हमारा इसमें कुछ फ्रूटफुल कन्वर्जन हो। हम ट्रैवल्स एग्जीबिशन में पहुँचे हैं और यहाँ फार्म हाउस का एक स्टॉल लगा है। आजकल देखा जाए तो फार्म हाउस पार्टी हो या फार्म हाउस में जाकर रहना, एंजॉय करना, ये सारा चलन जो है काफ़ी बढ़ गया है। तो हम सर से ही जानकारी लेते हैं कि वो अपने स्टॉल में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। हम उसमें एमिनिटीज दे रहे हैं, जैकोजी बार, स्टीम बार और स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, काफ़ी हमारे जो हाईलैंड पार्क में जो सर एम्यूजमेंट पार्क होता है वो सर हम मैरिज ब्यूरो वगैरह सब बना रहे हैं उसमें, बहुत ही सुंदर लोकेशन में हमारा ग्रीनरी मेंटेन करते हैं हम। फार्म हाउस हम देते हैं सिर्फ फैमिली मेंबर्स को, कपल्स लोगों का अलाउ नहीं हमारे पास में, ना ही कुछ अदरवाइज यूएस जो भी होते हैं उनको हम नहीं देते, सिर्फ फैमिली हम मेंबर को देते हैं। हमारे पास में सिक्योरिटी के हिसाब से 20-25 लोग वहाँ पे सिक्योरिटी, 24 घंटे की सिक्योरिटी है। पूरे 50 एकड़ में हमारा कैमरे से कैचअप किया हुआ एरिया है, कैंटीन 24 घंटे रेडियो से वेज नॉन वेज जो भी खाना आप खा सकते हो, उस तरह हमारा फार्म हाउस है। मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पे है फार्म हाउस, जर्नी एक घंटे की बहुत हो गया। कस्टमर की गाड़ी तो कस्टमर की गाड़ी जा सकती है, या हमारे फार्म हमारे कंपनी की गाड़ी भी होती है, हम व्हीकलर उससे भी जा सकते हैं जी। मेरा नाम हेमंत भिशीकर है, नील फार्म करके हमारा रिसोर्ट है। हमारे CMD साहब का नाम है पीताम्बर इखार, काफ़ी अच्छे पर्सन है।
हमारा 9 साल का प्रोजेक्ट है, कंडा हमने 9 एकड़ से चालू किया, हमारा कम से कम 250 एकड़ तक का हमारी जमीन है वहाँ पर। अब हम पहुंचे हैं प्रकाश टूर्स एंड ट्रैवल्स इस कंपनी के स्टॉल पर। इस कंपनी को 50 साल हो चुके हैं, जो कि नागपुर के लिए बहुत अच्छी बात है। इस कंपनी के डायरेक्टर आज हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, नमस्ते। आप अपना अनुभव साझा करिए। प्रकाश टूर्स एंड ट्रैवल्स, इसको 50 साल पूरे हो चुके हैं, 50 साल के ऊपर हो गए। 1962 में ये हमारे ग्रैंड फादर ने नागपुर में शुरू की थी। नागपुर में पहली कंपनी थी ट्रैवल एंड टूरिज्म को। हम लोग ग्रुप टूर्स को प्रमोट करते हैं, खासकर सीनियर सिटीजन्स हमारे सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, और ग्रुप एस्कॉर्टेड टूर्स होते हैं थ्रू आउट इंडिया और अब्रॉड भी। और जितना भी ट्रैवल असिस्टेंस है, चाहे वो ट्रैवल एजेंसीज रहो या लोग रहो, हम उनको हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं उनको असिस्ट करने की इस कंपनी में। मैं गोवा से हूँ, ट्रैवल अनलिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है, एंड वी आर प्रोमोटिंग गोवा। गोवा में एक्चुअली, गोवा में आप आओगे तो वहाँ नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, दो खास एरिया जहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम लोग प्रमोट कर रहे हैं वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर बोट ट्रिप है, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में पैरासाइलिंग है, बनाना राइड्स है, और भी बहुत एक्टिविटीज़ जो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। मोस्टली हम लोग ज़्यादातर जहाँ पर भी जाते हैं, गोवा टूरिज़म के साथ ही जाते हैं। और गोवा में पिछले 16-17 साल हो गए हमारे कंपनी की, हमारी खुद की ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम 4 सीटर टिल 40 सीटर्स, और वी आर दी DMC फॉर गोवा ओनली। जी, मेरा नाम विलास बनकर, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म से बोल रहा हूँ। हमारी कंपनी हेड ऑफिस हैदराबाद है, और स्पेशली हम LTC पैकेज प्रोवाइड करते हैं, यानी तकरीबन 70% LTC टूर्स रहते हैं। उसमें मेन सेक्टर है कश्मीर, अंडमान और नॉर्थ ईस्ट, और बाकी जो टूर है वो जनरली यानी करीबन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपन सप्लायर के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। कंपनी का खुद का होटल है अपने अंडमान में, वो यानी करीबन बजट होटल बोलेंगे या फिर रिजनेबल जितनी भी कॉस्टिंग रहती है, 12,000, 15,000, 16,000 में ऐसे अपन अंडमान के टूर देते हैं। और जैसा कॉस्टिंग बोलेंगे अपन अंडमान का, तो 4 नाइट 5 डेज का जो टूर है अपन 7,500-8,500 में देते हैं। 5 नाइट का 6 नाइट का 7 डेज का ऐसा भी अपना अंडमान का टूर रहता है, वो यानी कॉस्टिंग के हिसाब से और कितने लोग जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड रहता है। श्रीनगर का सेम क्राइटेरिया है, और नॉर्थ ईस्ट का भी सेम है। इनके सभी समर सीजन के लिए श्रीनगर और नॉर्थ ईस्ट ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं हम लोग। दार्जिलिंग, गैंगटॉक, गुवाहाटी, शिलांग, चेरापूंजी, फिर दिरांग, तवांग, गोमडिला, ये सभी सेक्टर हम देते हैं। मेरा नाम है प्रतीक जैन, मैं माहेश्वरी ग्रुप ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारी एक फर्म है जिसमें हम पूरा MP प्रमोट करते हैं। इसमें हमारी खुद के ओन होटल्स भी है MP में, उनका होटल पचमढ़ी, पचमढ़ी रीजेंसी, चुनमुन कॉटेज, शिवा और शिवा पैलेस। काना में हमारा खुद का एक रिजॉर्ट है, काना रिजॉर्ट। बेड़ाघाट में खुद की प्रॉपर्टी है वृंदावन गोपाला। हम लोग MP टूरिज्म के ऑथोराइज एजेंट है। हम लोग यहाँ पे स्टॉल के थ्रू हम यहाँ पे नए कस्टमर को टाइप में लाते हैं, उनको MP ले जाने के लिए हम उनका प्रमोशन कर रहे हैं, MP के बारे में हम उनको पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं। मेरा नाम गोविंद राठी है, नागपुर शहर में। और हम लोग अभी देख रहे हैं कि जैसे जिसे टूरिज़्म का एक इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, सभी लोग चाहते हैं कि परिवार के साथ में बच्चों को लेकर कहीं जाए, उनको कोई देश के हिस्टोरिकल प्लेसेस की जानकारी मिले। और भारत जो एक विविधता से बना हुआ देश है, तो अलग अलग प्रांत में अलग अलग एक अपनी सभी की एक विशेषता है। वो सारी विशेषता इस एग्जीबिशन में आके, इस एक्सपो में आके हमने महसूस किया कि सभी स्टेट के और गवर्नमेंट के जो रिजॉर्ट्स है एंड बाकी सारे होटल्स है, उसकी एक इन्फॉर्मेशन भी है। प्राइवेट भी कुछ एंटरप्रेनर्स हैं, उनकी भी इन्फॉर्मेशन्स है। तो एक अच्छा एक ही जगह पे एक कैप्सूल सॉल्यूशन लोगों को मिल रहा है, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो कि जिन लोगों को भी प्लानिंग करना है फ्यूचर में, मतलब समर वगैरह में बाहर जाने के लिए, तो वो ऐसे अच्छे अवसर पर नागपुर में एक अच्छा एग्जीबिशन यहाँ प्लान किया गया है। और हम लोगों ने जितने भी स्टॉल्स को अभी तक भेज दिया है, तो सभी जगह पे एक अच्छा इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है, और वो इन्फॉर्मेशन निश्चित तौर पे कस्टमर को और उसके ग्राहकों के लिए बेनिफिशियरी है, और उस वजह से एक अच्छा लाभ सभी को मिल रहा है। और मैं भी इवेंट मैनेजमेंट के फील्ड से हूँ, तो मुझे
मैं यहाँ घूमकर मुझे महसूस हो रहा है कि कई टाइप के इवेंट्स हम अलग अलग स्टेट के साथ में मिलकर टूरिज्म के फील्ड में भी प्लान कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा है और यही मेरा यहाँ का अभी का अनुभव रहा है। मेरा नाम आशुतोष पाठक है, मैं मैंगो हॉलीडेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे बेसिकली हम लोगों का हेड ऑफिस पुणे में है, बट लास्ट टू ईयर्स पहले अप्रैल 2018 में वी ओपन ए ब्रांच इन नागपुर एज वेल। तो यहाँ पे अभ्यंकर नगर में हमारा ब्रांच है। हम लोग वैरायटी ऑफ टूर्स ऑफर करते हैं, स्पेशलिटी हमारा यूरोप का ग्रुप टूर्स है, बट रिसेंटली हमने डोमेस्टिक साउथ ईस्ट एशिया और अदर कंट्रीज़ का भी ग्रुप टूर कस्टमाइज टूर्स हम लोग करते हैं। नागपुर से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमसे जब से स्टार्ट हुआ है तब तक मिल रहा है। होपफुली ये इस एग्जीबिशन में हमारा सेकंड ईयर है, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। होपफुली वी आर एक्सपेक्टिंग फ्यू कन्वर्जन्स इन दिस। माय नेम इज़ दिनेश नारखेड़े फ्रॉम नागपुर। ऑल इंडिया लेवल पे हर स्टेट का अपना अपना टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उन्होंने अच्छी इंफॉर्मेशन एक जगह पूरा मिलने का एक अच्छा प्रयास है ये, और अंडर वन शेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पूरे स्टेट की मिल जाती है। मतलब आप ठगे न जाने का गारंटी आप मिल सकता है, बिकॉज इट इज़ ओन बाय द गवर्नमेंट। क्या और इवन जो कुछ रिसॉर्ट्स वाले हैं, प्राइवेट पार्टीज़ भी है, दे आर ऑल रिप्यूटेड पार्टीज़, तो यहाँ पे उनके तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सकती है। सो वन कैन प्लान हिज टूर प्रॉपरली एंड एन्जॉय इट इन ए प्रॉपर मैनर। तो पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो सकता है और सही उसका रिटर्न्स भी आपको मिल सकते हैं। दैट इज़ ए गुड इवेंट ऑर्गेनाइज बाय द ऑर्गेनाइजर्स, आई कॉन्ग्रेचुलेट देम। अक्सर लोगों को अपने परिवार के साथ घूमना फिरना पसंद हो, वो फिर पहाड़ों पर हो, कश्मीर की गलियों में हो, चाय के बाग में हो, महलों में हो, जंगल में, कहीं भी, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको एक ही छत के नीचे मिलेगी, वो ट्रैवल्स एग्जीबिशन में। यहाँ कई सारे टूर्स और ट्रैवल्स कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, वहाँ लोगों को सारी जानकारी मिल रही है। तो आप भी यहाँ आकर अपना टूर्स प्लान कर सकते हैं, वो भी कम बजट में, और हाँ, आपका सफ़र इससे यादगार ज़रूर बनेगा। मैं एकता गहरवार, वीरेंद्र खुबरागड़े के साथ, इनबीसी न्यूज़ नागपुर।